नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पावर प्लांट इंस्ट्रूमेंटेशन में। और आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो आज के वीडियो का टॉपिक है दोस्तों न्यूमेटिक कंट्रोल वॉल के बारे में। तो आज मैं इस न्यूमेटिक कंट्रोल वॉल के सारे पार्ट्स बताऊँगा, कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं और इसके कैलिब्रेशन कैसे करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोग को मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर। तो इसका मैं सबसे पहले आप लोगों को नेम प्लेट दिखा देता हूँ इसका, ठीक है। इस कंट्रोल वॉल का स्पेसिफिकेशन क्या है वो मैं आप लोगों को सबसे पहले दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये फो मार्शल कंपनी का है। इसका ऐप नंबर लिखा हुआ है, सीरीज कौन से सीरीज का है, बॉडी मटीरियल क्या है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक्चुएटर U120N है, सप्लाई प्रेशर इसका 4 bar है, कंट्रोल रेंज इसका 0.2 से 1 बार है, ठीक है। और इस साइड में आप देखोगे टाइप SS है, KV वैल्यू 0.63 है, फंक्शन एयर टू ओपन है ये, ठीक है। सीट इसका 6 है, ठीक है। तो ये स्पेसिफिकेशन हो गया हमारे कंट्रोल वॉल का। तो चलिए अब मैं बताता हूँ कि कौन कौन से हमारे पार्ट्स होते हैं। तो सर, यहाँ पे आपको एक हैंड व्हील दिखेगा जो मैनुअली आपको ऑपरेट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। और ये हमारा डायफ्राम यूनिट हो गया, ठीक है। और ये आपका स्टेम हो गया दोस्तों, ये आपका स्टेम हो गया। और यहाँ पे आपको एक इंडिकेटर दिख रहा है लोकल में, आपको देखने के लिए कि कितने परसेंट वॉल ओपन है, क्लोज है। और ये आपका वॉल की सीट हो गई दोस्तों, वॉल बॉडी हो गई, ठीक है। यहाँ पे आपका प्रोसेस कंट्रोल होता है, यहाँ पे आपका प्लग होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो प्रोसेस इन आउट हो रहा है ये कंट्रोल करता है। और ये आपका पोजिशनर हो गया दोस्तों, ठीक है। तो ये कंट्रोल वॉल हमारा एयर टू ओपन है। एयर टू ओपन और एयर टू क्लोज दो टाइप के वॉल होते हैं दोस्तों। तो एयर टू ओपन कौन सा होता है, एयर टू क्लोज कौन सा होता है, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। फिटिंग जो है डायफ्राम के नीचे से एयर की सप्लाई गई हुई है, तो ये एयर टू ओपन है। अगर यही सप्लाई डायफ्राम के ऊपर से जाती तो ये एयर टू क्लोज कंट्रोल वॉल उसको बोलते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने पोजिशनर के बारे में। तो ये फो मार्शल कंपनी का पोजिशनर है और इसका मॉडल नंबर है FMPOZ8400S, ठीक है। यहाँ पे आपको दो गेज दिख रहे हैं। जो नीचे वाला गेज है ये मेन एयर सप्लाई का है, जो यहाँ से रेगुलेटर से जो सप्लाई आप सेट करोगे यहाँ से, जैसे मान लीजिए इस कंट्रोल वाल का आपने फेस प्लेट में देखा है 4 bar का रेंज है, तो हमने यहाँ पे 4 bar यहाँ पे प्रेशर सेट कर दिया, तो ये प्रेशर आपका 4 bar यहाँ पर आ गया, ठीक है। जितने परसेंट इस पोजिशनर में कमांड आएगा उसके अकॉर्डिंग ये फाइनल आउटपुट यहाँ से एयर का आउट करेगा और ये आपके डायफ्राम में जाएगा। उसके अकॉर्डिंग डायफ्राम मूव करेगा, जिसकी वजह से हमारा स्टेम मूव होगा, ठीक है। और यहाँ पे नीचे जो प्लग लगा होता है वहाँ से प्रोसेस कंट्रोल होगा दोस्तों। तो इस तरीके से ये फंक्शन करता है। इसमें 2 wire आए हुए हैं, एक वायर आपके कंट्रोल वॉल के लिए है, ठीक है, जो कमांड आएगा वहाँ से DCS से, ठीक है। इसको 2 wire में ही आपका सप्लाई भी आएगा 24 volt, और उसी 2 wire में जो है 4 to 20 milliamps का कमांड आएगा दोस्तों DCS से, जो हम इस पोजिशनर को ऑपरेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग। और जो दूसरा वाला वायर है दोस्तों, ये फीडबैक के लिए है, कितने परसेंट आपका ओपनिंग है, क्लोजिंग है, वो इस फीडबैक के माध्यम से आपको DCS में देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपको 3 key दिख रही होंगी, एक राइट साइड का एरो बना हुआ है, एक अप साइड का और एक इंटर का। तो ये मैग्नेट की से भी ऑपरेट हो सकता है दोस्तों, बट अभी मेरे पास मैग्नेट अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से मुझे ये कवर ओपन करना पड़ रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो हम लोग को चेक करने चाहिए। जब भी आप न्यू इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो आपको वो पैरामीटर तो आपके अपने कंट्रोल वॉल के अकॉर्डिंग इसमें डालने ही पड़ेंगे, बट अगर मान लीजिए आपको फिर भी आपको चेक करना है तो पैरामीटर कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 3 key दिख रही हैं आपको, ये है राइट की, ये एंटर और ये अप की है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको इसको 2 seconds के लिए प्रेस करके रखना है। तो यहाँ पे आपको एग्जिट और वर्जन अगर आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे सेंसर टाइप। तो जो आपका फीडबैक सेंसर है वो हॉल टाइप का सेंसर है दोस्तों। अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पर बैक साइड से तो ये मैग्नेट टाइप का सेंसर है दोस्तों, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये फीडबैक के लिए लगा हुआ है ये वाला सेंसर। तो जब भी इस कंट्रोल वॉल का हम लोग कैलिब्रेशन करते हैं तो इस इंश्योर कर लीजिए कि इसके आसपास कोई वॉकी टॉकी ना हो, ठीक है, मोबाइल फ़ोन ना हो इसके पास में, ठीक है। तो नहीं तो इसमें क्या है ना, पोजीशन जो है ना वो सही रीड नहीं करेगा, सही नहीं बताएगा, आपके प्रॉब्लम आ सकती है, एरर आ सकता है दोस्तों। तो चलिए इसमें मैं दिखा देता हूँ क्या क्या आपको इसमें देखने को मिलता है।
तो इसको एंटर करते हैं, तो इसमें देख सकते हैं सेंसर आपका हॉल टाइप का पड़ा हुआ है, फीडबैक सेंसर। और देन उसके बाद आप सेकंड क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक्चुएटर सीरीज आएगा। तो कौन से टाइप का आपका एक्चुएटर का सीरीज है वो यहाँ से आप चेक कर लीजिए। U1 सीरीज है, जैसा कि मैंने आपको नेम प्लेट में दिखाया था, ठीक है। उसका स्ट्रोक लेंथ यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, अभी मैंने यहाँ पे 20 mm कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ से आप स्ट्रोक लेंथ चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आपको यहाँ पे फ्रिक्शन है, लो फ्रिक्शन यहाँ पे सेट है, VND नो है। अगर आपका वेरिएबल नोजल डी सुपर हीटर टाइप का है तो आपको यहाँ पे यस करना होगा, नहीं तो नो रहने दीजिए, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग CNTU पे, कंट्रोल यूनिट है आपका डी ट्रेवल मतलब क्या होता है कि एक्सपेक्टेड ट्रेवल परसेंटेज में आपका शो करेगा वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे मिलेगा TRVU। TRV क्या है आपका, ट्रेवल यूनिट है, ठीक है। स्टेम ट्रेवल कितने परसेंट में हो रहा है, अगर आप मिली एम्पियर आउटपुट में चाहते हैं या स्टेम ट्रेवल आप MM में चाहते हैं तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेवल पड़ा हुआ है, मतलब परसेंटेज में आपको शो करेगा, ठीक है, स्टेम ट्रेवल। नेक्स्ट उसके बाद क्या है आपका PID U पड़ा हुआ है, इसमें क्या है PID V पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पैरामीटर चेक कर लेते हैं। और इसके बाद DP ऑन है ये, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है आपका SPDIR है आपका सेट पॉइंट डायरेक्शन राइज और या फॉल। तो अगर आप चाहते हो कि सेट पॉइंट के अकॉर्डिंग आपका स्टेम राइज हो, ठीक है, तो आप राइज पे सेलेक्ट करिए। अगर आप चाहते हो कि स्टेम फॉल्स हो, अगर राइजिंग सेट पॉइंट रहेगा, तो यहाँ पे आपको फॉल सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो अभी राइज पड़ा हुआ है कि जितना कमांड आएगा स्टेम के लिए उतना ये सेट पॉइंट के अकॉर्डिंग स्टेम राइज होगा दोस्तों, मतलब ओपन होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद क्या है हमारा SCHAR, ये वॉल कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स है। या यहाँ पे आप लीनियर, इक्वल परसेंटेज, ऑन ऑफ यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लीनियर पड़ा हुआ है हमारा, ठीक है, कि लीनियर हमारा कंट्रोल वॉल ऑपरेट होगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या है मैनुअल सेट पॉइंट, आप यहाँ पे बिग स्टेप या स्मॉल स्टेप आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें अगर आप बिग स्टेप सेलेक्ट करेंगे तो आपका 25% के अकॉर्डिंग ये ऑपरेट होगा, स्मॉल स्टेप अगर करेंगे तो 1% में ऑपरेट होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, और नेक्स्ट है आपका IR सेट। तो इनपुट रेंज सेटिंग ये आपको सेट कर लेना है, लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू, तो ये आपको ज़रूर सेट कर लेना है अगर आप DCS से ऑपरेट करेंगे इसको। तो इसमें देखिए 4 mA जब वहाँ से आएगा, ठीक है, तो 0% रहेगा ये कंट्रोल वाल, मतलब 0 रहेगा। और जब 20 होगा तो ये हमारा 100% हो जाएगा ये कंट्रोल वाल, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको ज़रूर चेक कर लेना है। और नेक्स्ट आपका है PCAL, यहाँ से आप कैलिब्रेशन करेंगे। तो अभी मैं लास्ट में दिखाऊंगा कि कैलिब्रेशन कैसे करते हैं दोस्तों। तो इसमें ऑटो कैलिब्रेशन है, 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, 5 पॉइंट कैलिब्रेशन है, तो बहुत सारे इसमें कैलिब्रेशन आपको करने को ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पासवर्ड है, ये F कॉन्फिगर है, मतलब फैक्ट्री रीसेट करने के लिए है। ये आपका C डिस्प्ले है, साइक्लिक डिस्प्ले है, ठीक है, E मैसेज है, CT टाइप है। इन सभी का ज़्यादा यूज नहीं है, जो ज़्यादा यूज था वो मैंने आपको दिखा दिया दोस्तों। यहाँ पे आप मॉडल चेक कर सकते हैं इसका, ठीक है। चलिए एक बार एग्जिट हो जाते हैं और देन उसके बाद अब हम लोग कैलिब्रेशन करते हैं। तो दोस्तों कैलिब्रेशन स्टार्ट करने के पहले आपको क्या क्या चेक कर लेना है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो आपका इनपुट में सप्लाई है वो आपके कंट्रोल वाल के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आप अपने रेगुलेटर से एडजस्ट करके इनपुट सप्लाई आप फिक्स कर सकते हैं। तो ये 4 bar है, तो यहाँ पे 4 bar हमने सेट कर रखा है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग कैलिब्रेशन करते हैं इसका। तो कैलिब्रेशन में चलते हैं हम लोग, कैलिब्रेशन में आ गए, PCAL में आ गए, इसको एंटर करते हैं। तो यहाँ पे मैनुअल 3 पॉइंट का ऑप्शन मिलेगा आपको, मैनुअल 5 पॉइंट का मिलेगा, ठीक है। ये मैनुअल पॉइंट है, ये CLVC है, एग्जिट है, ऑटो 2 पॉइंट है। तो जो भी आप चाहते हैं आप कैलिब्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए मैं मैनुअल 3 पॉइंट में कैलिब्रेशन करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप मैनुअल 3 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप एंटर कर देंगे। तो जैसे एंटर करेंगे कैलिब्रेशन आपका स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका शो कर रहा है कि
पहले आपको सबसे पहले क्या देख लेना है कि आपका जो प्रेशर, ये वाला प्रेशर है, ये जीरो हुआ कि नहीं हुआ। तो अभी ऑलरेडी जीरो है, अगर जीरो नहीं है तो आपको वेट करना है जब तक ये जीरो ना आ जाए। और दूसरा आपको यहाँ पे ज़रूर चेक कर लेना है कि आपका जीरो पे है या नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने चेक कर लिया कि हाँ, ये मेरा प्रेशर जीरो हो रखा है, तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। ये एंटर के लिए ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एंटर कर दिया, अब ये वेट करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए थोड़ी देर वेट करते हैं और कैलिब्रेशन अभी स्टार्ट हो जाएगा। ये R1/5 है, तो R5/5 पे जाएगा, तब कैलिब्रेशन कंप्लीट होगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे इसका केबल एंट्री है दोस्तों, इन के लिए जो हमारा DCS से कमांड आएगा, और आउट के लिए जो हमारा यहाँ से फीडबैक सिग्नल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसके अंदर कनेक्शन है, दो दो वायर आए हुए हैं, तो ये कनेक्शन हो गया। थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों, ठीक है, कैलिब्रेशन में। अभी आप देख सकते हैं कंट्रोल वाला भी जीरो पोजीशन पे है और यहाँ पे कैलिब्रेशन स्टार्ट हो रखा है। तो अभी देख सकते हैं कैलिब्रेशन स्टार्ट हो गया है ऑटो में, और ये ऑटोमेटिक कैलिब्रेशन अपने आप 3 पॉइंट करेगा। तो R1/5 हो गया कंप्लीट, अब R2/5 स्टार्ट हो गया है। तो ये एक स्मार्ट पोजिशनर है दोस्तों, जिसको जो आजकल बहुत सारे कंपनियों के आ रहे हैं, ABB, सीमेंस, ठीक है। तो ये 4 मार्शल का स्मार्ट पोजिशनर है दोस्तों। ये देख सकते हैं वॉल हमारा ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। अभी ये R2/5 कंप्लीट हो गया, R3/5 पे आ गया है अभी ये। यहाँ पे आ रहा है कि आपका जो है पूरा 100% ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अभी हमारा 99.9 आ रहा है, अगर नहीं आता है तो आप ये अप डाउन की से आप एडजस्ट कर सकते हैं इसको। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं आप, 95 है, ये 96 हो गया, ठीक है, ये 97 हो गया, नाइन्टी एट हो गया, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग क्या है, आपका स्टेम पूरा ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये 99 हो गया, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इसकी भी रीडिंग आपकी इंक्रीज हो गई दोस्तों, और ये कंट्रोल वाल भी पूरा 100% ओपन हो रखा है। तो ये आपको ज़रूर इंश्योर कर लेना है एंटर करने के पहले। अब यहाँ पर आपको एंटर कर देना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पर दिखा रहा है कि आपका का स्ट्रोक लेंथ कितना रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। तो कर देता हूँ, अब ये जीरो पोजीशन के लिए दिखा रहा है, आपका कंट्रोल वाल जीरो हो गया कि नहीं हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंट्रोल वाल हमारा जीरो हो रखा है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको एंटर कर देता हूँ, ठीक है। अगर ज़ीरो नहीं होता तो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको एंटर कर देता हूँ, और अभी आप देख सकते हैं मेन डिस्प्ले में 50%, और यहाँ पे आप देखोगे स्केल में 50 है या नहीं है। अगर थोड़ा कम ज़्यादा है तो आप ना यहाँ से सेट कर सकते हैं इसको, ठीक है, इसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो अभी ये 50 पे 50 आ रहा है, ये दोनों मैच कर रहा है, तो मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। अगर ये मैच नहीं करता आपकी ये वैल्यू और ये वैल्यू, तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एंटर कर दिया, मैंने एंटर कर दिया। अब कैलिब्रेशन R4/5 स्टार्ट हो रहा है। अब ये R5/5 स्टार्ट हो गया है, ठीक है। देन उसके बाद ये प्रेशर ट्यून करेगा और कैलिब्रेशन डन हो जाएगा। अब ये प्रेशर ट्यून हो रहा है यहाँ से, और प्रेशर ट्यून होने के बाद ये कैलिब्रेशन हम लोग का डन हो जाएगा, ठीक है। तो इस डिस्प्ले में लिख के भी आ जाएगा कैलिब्रेशन डन। तो अगर कैलिब्रेशन करते समय अगर कोई आपका एरर आता है तो ये भी यहाँ पे डिस्प्ले पे शो होगा, तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है हमारे कैलिब्रेशन में। स्टेप मैं कोई भी नहीं छोड़ रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए, स्टेप मैं पूरे दिखा रहा हूँ, पर थोड़ा थोड़ा क्या है ना, टाइम ज़्यादा ले रहा है, डिले हो रहा है, तो इसकी वजह से मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। देन अब कैलिब्रेशन कंप्लीट हो गया, डन आ गया, ठीक है दोस्तों।
और ये कैलिब्रेशन सेव हो गया। अब आप देख सकते हैं कि फाइनल हमारा जीरो पोजीशन पे पड़ा हुआ है कंट्रोल वाल, क्योंकि कमांड हमारी ना 0% के लिए पड़ी हुई है। तो अगर आप चाहते हो कि इसको मैनुअल कैसे इसको ऑपरेट करते हैं, तो हम बाइक फंक्शन की से हम लोग इसको मैनुअल भी ऑपरेट कर सकते हैं दोस्तों। तो कैसे करते हैं हम लोग, ये वाली जो की है अप वाली की है, इसको थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करके रखना है। तो ये आप देख सकते हैं मैनुअल मोड में आ गया है, ठीक है, और ये मैनुअल मोड में आ गया है। अब आप इसको यहाँ से सेट पॉइंट दे सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका कंट्रोल वाल मूव करेगा। तो अभी आप देख सकते हैं ये हमारा जीरो पे है, ठीक है। तो अभी मैं इसको 25% देता हूँ, तो ये मैंने 25% का कमांड दिया इसको, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 25% आ गया है और हमारा कंट्रोल वाल भी 25% ओपन हो गया है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको बिग स्टेप कर लेता हूँ, सेटिंग में जाके एनुअल सेट पॉइंट में यहाँ पे बिग स्टेप सेव कर देता हूँ इसको, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने मैनुअल में। अब यहाँ पे मैं 25% करूँगा, तो ये देखिए डायरेक्ट 25% और हमारा कंट्रोल वाल भी 25% ओपन हो गया दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये फीडबैक दिखा रहा है और ये कमांड है हमारी लोकल से, और इस कंट्रोल वाल का भी देख सकते हैं पोजिशन। अब यहाँ पर 50% करूँगा, तो ये देख सकते हैं प्रेशर उसके अकॉर्डिंग ये आउट कर रहा है और हमारे डायफ्राम में जा रहा है। तो जितना प्रेशर हमारे डायफ्राम में जाएगा नीचे साइड से, तो हमारा क्या करेगा, इस सिस्टम को ओपन करने का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 50% कंट्रोल वाल हमारा ओपन हो चुका है। अभी मैं इसको 75 कर रहा हूँ, तो आप देखिएगा, देख सकते हैं आप 75% ओपन हो गया है। अब मैं इसको 100% करता हूँ, तो ये 100% हमारा कंट्रोल वाल अभी ओपन हो गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फीडबैक भी 100% आ रहा है, हमारा प्रेशर भी देखिए 2 kg हो गया है, ठीक है। तो इसको अभी डाउन कर देता हूँ मैं 75, देन उसके बाद 50, 25 एंड 0। तो 0 पे हमारा ये फाइनल आउटपुट जो है ये 0 हो जाना चाहिए, जो हमारे डायफ्राम में जा रहा है, ठीक है दोस्तों। और हमारा कंट्रोल वाल भी 0 पे हो चुका है। अब आप चाहते हो कि ये आपका मैनुअल मोड है, अगर मैनुअल मोड पड़ा रहेगा तो आपके डीसीए से कमांड नहीं लेगा, तो आप चाहते हो इसको रिमोट में डालना है, तो आपको इस एंटर की को थोड़ी देर प्रेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लेके छोड़ दोगे और एक बार आप की को प्रेस करेंगे तो ये आपका रिमोट मोड में आ चुका है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर रिप्लाई करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।